Today's the topic is chemical reaction and equation, corrosion and rancidity. इसके पहले कुछ बता देना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक की बटन प्रेस कर देंगे ताकि आप लाइक वीडियो में आपकी वीडियोस देख सको, और इसी के साथ साथ सजेशंस में आप चेक करते रहेंगे कि पुराने वीडियोस कुछ मिल रहे हैं क्या, और अगर मिलते हैं तो आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, जिसमें आपको पूरे वीडियोस जो है मेरे वो आपको मिल जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक करोजन। तो पहले करोजन देख लेंगे, रेंसिडिटी का। इसके बाद क्या होता है, आपके बुक में पेज नंबर 44 पे दिया है करोजन। ओके दिस वन। ओके ये जो थ्री टेस्ट ट्यूब दिए, सबसे पहले तो करोजन का मीनिंग समझ लेते हैं। किसी भी मेटल का खराब हो जाना मीन्स करोजन होता है। अब जैसे आयरन में रस्ट होती है ना, तो रस्ट से क्या होता है, वो मेटल खराब हो जाता है, आयरन खराब हो जाता है। वैसे किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो वो मेटल की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, वो मेटल ही पूरा जिसे हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी खराब हो गई, इसका मतलब वो मेटल पूरा खराब हो चुका है। तो यहाँ हम करोजन ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा है, एक प्रैक्टिकल करके देखा है। वी हैव फोर टेस्ट ट्यूब। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में हमने पानी लिया है, बॉइल्ड वाटर लिया है, साथ में इसमें नेल डाल दिया है और ऊपर में तेल की लेयर डाली है, मतलब तेल डाला है, ठीक है। सेकेंड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, नमक का सॉल्यूशन लिया है और इसमें नेल डाला है। थर्ड वन केवल कुछ भी नहीं लिया है टेस्ट ट्यूब में, केवल खाली टेस्ट ट्यूब लिया है, एयर है इसके अंदर और हमने नेल डाला है। एंड एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस का मतलब क्या है, ऐसा पाउडर जिसमें हमने वाटर का इस्तेमाल नहीं किया या वाटर ना हो तो अनहाइड्रस कहा जाएगा। तो हमने कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर लिया है और इसके अंदर नेल डाला है, क्लियर। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नेल हमने जैसा डाला था उसी कंडीशन में वापस मिलने वाला है। कुछ दिनों के लिए हमें रखना है, देयर बी ओनली एयर इन द टेस्ट ट्यूब लिखा है यहाँ पर, एट ऑल द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब रिमेन एंड अटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए बताया है। ऑब्जर्व ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर अ फ्यू डेज, व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा। तो आपको कौन से टेस्ट ट्यूब में ये नेल खराब हो चुका है या नेल पे जंग लग गई है वो हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर भी चाहिए मतलब ऑक्सीजन चाहिए, सेकंड वाटर चाहिए। जहां पर ये दोनों कंडीशन है वहां पर जंग लगेगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने, एक बार मैं पिक्चर ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं कि पहले टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लिया है और ऊपर में ऑयल की लेयर बना दी, सेकेंड में हमने सिर्फ वाटर लिया है, थर्ड में एयर में ही रख दिया नेल को, और फोर्थ इसमें कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को में नेल डाला है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ऑयल की लेयर होने की वजह से ये जो नेल है ये एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, मतलब यहाँ वाटर तो है पर एयर नहीं है। दूसरे इसमें आपको एयर भी मिल रही है ऊपर से, क्योंकि ऑयल की लेयर नहीं है, तो ऑयल की लेयर ना होने की वजह से एयर तो डायरेक्टली मिल जाएगी और वाटर भी प्रेजेंट है। तीसरे केस में एयर तो है लेकिन वाटर नहीं है, और फोर्थ के केस में पाउडर में रखा है, एयर तो मिल रहा है लेकिन वाटर कहीं से भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब नेल आपको कौन सी कंडीशन में एज इट इज मिलेगा, तो एज इट इज यहाँ पर भी वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा, मतलब जंग कहाँ लगने वाली है, केवल इस टेस्ट ट्यूब में जंग लगने वाली है ना, क्योंकि वहां पर वाटर भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है, और इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। इस नेल का, नेल के ऊपर एक कॉपर जैसा एक रेडिश कलर का लेयर बन जाता है, तो उसे हम रस्ट कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे कि रस्ट एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, ये बनता कैसे है, कैसे होता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो ये चीज के लिए थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आपको ये बता दूं कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होती है। वैसे तो वाटर है ही और एयर भी प्रेजेंट है, इसकी वजह से होगा, बट सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके बुक में दिया है कि न्यू जो व्हीकल्स होते हैं इट लुक्स शाइनी बट द ओल्ड व्हीकल्स लुक डल, है ना। उसके बाद बोला है कि सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर सॉलिड लेयर्स डेवलप ऑन द मेटल्स, दैट लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट एंड इट्स फॉर्मूला Fe2O3 into H2O। ओके स्टूडेंट, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपके बुक में दिया, ये आया कैसे वो सब बाद में पढ़ेंगे।
बट आपको ये जनरल आपको एग्जाम्पल पता है कि नए नए व्हीकल बड़े अच्छे दिखते हैं, कुछ दिनों के बाद उनका एक एक पार्ट मेटल के पार्ट पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो जंग, उसे हम जंग कहते हैं और उसका फॉर्मूला ये है, ऐसा बताया। अब चलते हैं टॉपिक पे, क्या बोला है। तो इन्होंने दिया है, द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है ऑक्सीजन की विद आयरन सरफेस, द रस्ट इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, डिफरेंट रीजन ऑन सरफेस ऑफ आयरन बिकम्स एनोड एंड कैथोड। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर ये लोहे का एक टुकड़ा, एक प्लेट ले ली है मैंने, ठीक है, तो इस पे एक पर्टिकुलर रीजन होगा जो कि एनोड के जैसे काम करेगा और एक रीजन होगा वो कैथोड के जैसे काम करेगा। मान लो ये इतना रीजन मैंने से बना लिया अपने हाथों से, हाँ अभी हमको मालूम नहीं है एग्जैक्ट कौन सा रीजन क्या बनेगा, बट अभी मुझे समझाना है आपको तो मैं बताऊंगी कि एक मान लो कि इस रीजन ने एनोड के जैसा काम कर लिया, ये एनोड बन गया और ये क्या बन गया है, कैथोड बन गया, ठीक है। इसके आगे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये एनोड है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैथोड है, इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और इस जगह पर रिडक्शन होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपकी बुक में दिया है Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव, ओके, Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव इन द एनोड रीजन। Fe पे Fe2 पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब Fe से Fe आयन बन रहा है, ओके, आयन बनता है जब चार्ज आ जाता है ना उसके ऊपर, तो उसे हम आयन कहते हैं। टू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स इसके किसी को जा रहे हैं, बाहर निकल रहे, ओके, ये निकाल रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या आया, टू पॉजिटिव। ये कहाँ होने वाला है ये रिएक्शन, Fe का ऑक्सीडाइज होने वाला है Fe2 पॉजिटिव में, कौन से रीजन में होने वाला है, तो इस रीजन में होने वाला है, ठीक है। आप अपनी बुक में लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, उसका ये आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। Fe से Fe2 पॉजिटिव बनेगा, मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, यहाँ पर होने वाली है ये प्रोसेस, ठीक है, एनोड रीजन में। फिर क्या होने वाला है सेकंड, एक और प्रोसेस होने वाली है, O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर इज द इन द कैथोड रीजन, इन द कैथोड रीजन। अब ये जो कैथोड रीजन है यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ ऐड होने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की का एडिशन होने वाला है, और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये प्रोसेस कहाँ होने वाली है, पूरी कैथोड रीजन, ठीक है। पहली प्रोसेस हो रही है Fe का Fe2 पॉजिटिव बन रहा है एनोड रीजन पे, दूसरी केस हो रही है ऑक्सीजन का बन रहा है वाटर, 4 हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद ऑक्सीजन का बन रहा है वाटर, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये कौन सी जगह पर हो रहा है, कैथोड रीजन पे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, Fe2 पॉजिटिव माइग्रेट रिएक्ट विथ वाटर एंड फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव आयन। क्या होता है, ये Fe2 है, क्या लिखा है आपकी बुक में ही दिया है, व्हेन Fe2 पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ये Fe2 पॉजिटिव कहाँ था, इस एनोड रीजन में था, ये माइग्रेट हो जाएगा, मतलब अपनी जगह क्या कर लेगा, बदल देगा, उस जगह पर नहीं रहेगा, उस जगह से थोड़ा सा सरक जाएगा, ऐसा हम समझेंगे। रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ये रिएक्शन होती तब है जब वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद फिर से ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज की हम तीसरी वाली डेफिनेशन जो है वो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन की, जिसमें क्या बोला था, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, मतलब Fe2 पॉजिटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और ये Fe2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में। ये आपको ध्यान में आ गया होगा, Fe2 पॉजिटिव का क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो, तो ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम Fe3 पॉजिटिव कॉल्ड रस्ट। Fe3 पॉजिटिव जब बनेगा तो एक लाल कलर का आपको हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो लेयर बनी हुई दिखेगी, उसे हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड कहेंगे, और उस लेयर को हम क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव, मतलब इसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, ये तो सिर्फ कन्वर्शन था,
और ये Fe3 पॉजिटिव जब बना वो और वाटर जहां पर भी वाटर होगा उतना इसमें उस वाटर के साथ और आगे रिएक्ट होते जाएगा और वो रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेगा Fe2O3 into, यहां पर डॉट है इसका मतलब होता है इनटू इनटू वाटर H2O प्लस 6 हाइड्रोजन, ये आपकी फाइनल रिएक्शन रहेगी और ये आपका होगा रस्ट का फॉर्मूला। तो यहां पर क्या बनने वाला है, रस्ट बनने वाला है। ये यहाँ तक पूरा हो गया और फिर उसके बाद आपके बुक में दिया है कि एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से उनका डैमेज होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, करोजन। करोजन ये टर्म सारे मेटल्स से रिलेटेड, सारे मेटल्स को कंसिडर करते हैं, पर रस्टिंग केवल जो हम बोलते हैं वो रस्टिंग आयरन से रिलेटेड होता है। आयरन रस्ट एंड अ रेडिश कलर्ड लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज करोजन ऑफ आयरन। आयरन पे जो लाल कलर का लेयर बन जाता है, रस्ट जो चढ़ जाता है या जंग चढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, करोजन ऑफ आयरन कहते हैं। मतलब मेटल का, इस आयरन के मेटल का, आयरन मेटल का खराब हो जाना। करोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसे हम लाइटली नहीं लिख सकते, पर इसके क्या इफेक्ट्स है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी, क्या दिया है रेंसिडिटी में, ये एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट रेंसिडिटी का और शॉर्ट नोट्स में आता है। बहुत सा एग्जाम्पल आपके घर पे ही ये हमें देखने मिलता है, वर्ड से ऐसा लगता है कि कुछ नया है। तो तेल जो होता है बहुत दिन से अगर खुला है, खुला तेल पड़ा है, अगर तल लिया है कुछ उसमें कढ़ाई में और वो तेल हमारे हाथ से खुला रहेगा तो उसमें से एक क्या बोलेंगे, एक ओडर आने लगती है, एक सेंट आता है उसमें से। और या फिर तेल में तली हुई चीज़ें अगर हमने रख दी है, बहुत दिन से खुली रख दी है, तो उसमें से भी एक सेंट आती है। चूड़ा वगैरह दिवाली में बनता होगा तो अगर 15 दिन रह जाता है कभी, तो उसमें से एक अलग सी, खाने के बाद अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही सेंट आता है। तो ये जो है इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। आप थोड़ा सा लिखने पड़ेंगे। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, कुछ भी खाने की चीज़ें बनाने के लिए अगर हमने बचा हुआ जो खुला जो तेल है वो लिया है, इट इज़ फाउंड टू हैव फूल ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। उसमें हम देखते हैं कि उसमें से एक खराब सी बास आती है और उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। इट फूड इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल, अगर ऐसे तेल में हमने खाना बना लिया तो इट्स टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम और फ्राइड फूड इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट अंडरगोस एयर ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऐसा, ये तेल खराब होने की वजह क्या है? तो अगर हमने ऐसा तला हुआ जो खाना है या तली हुई कोई भी फूड प्रोडक्ट्स है, इफ़ यू कैप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, खुले में रख दिया है काफ़ी समय के लिए, तो क्या होगा, उसका एयर ऑक्सीडेशन होगा या एयर के साथ उसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी वहाँ पर एंड बिकम्स रैंसिड, और ये रैंसिड हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से एक फोर्थ स्मेल आने लगेगी। रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये खाने को हम बचा भी सकते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से रोक भी सकते हैं अगर हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट मींस ऐसा कुछ सब्सटेंस जिससे ऑक्सीडेशन होने से रोका जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ्स कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन से, कौन सी मेथड से, तो उस खाने को हम एयर टाइट कंटेनर में अगर स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल भी हवा ना लगे, हवा अगर लगेगी तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि हवा में ही ऑक्सीजन होता है, और हवा ही ना लगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में हमने क्लोज करके रख दिया है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये हुआ रेंसिडिटी, दिस वॉज द लास्ट पार्ट। एंड स्टूडेंट प्लीज, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं किया है तो कर देंगे, ये बार बार बताने का मकसद ये है कि नए जो भी व्यूवर्स होंगे तो उनके लिए भी ये सही रहेगा कि अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आएंगे और आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख पाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 4, इट इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।